जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें मॉडर्न कल्चर को कवर कर रहे हैं। तो हम इंडियन आर्किटेक्चर देख रहे हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आइए इसमें हम जो बाकी की चीजें हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंडियन आर्किटेक्चर में हरप्पन सिविलाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सील्स की, स्कल्पचर्स की, और बाकी जो आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसकी। अगर हम जो चन्नूदारो ये अगर हम देखते हैं जो अभी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था क्राफ्ट्स का, जिसमें हमें बीड मेकिंग, मेटल वर्क, जो सील्स बनाना है, जो आर्टिफैक्ट्स बनाना है, जो पोटरी बनाना है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देखिए कितना फैला हुआ था, हमने देखा ना लास्ट लेक्चर में कितना फैला हुआ है जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो, और वो इतना जो फैला हुआ है अलग अलग जगहों पर किस तरीके की अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे लास्ट लेक्चर में उनका जो पूरा आर्किटेक्चर था उसको हमने देखा था, किस तरीके से ग्रेनरीज बना रहे थे, किस तरीके के घर होते थे, किस तरीके से हमें इनइक्वालिटी वहां पर देखने को मिलती थी, क्योंकि सिटाडेल एंड लोअर हाउसेस वो हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर अगर हम सील्स की बात करते हैं तो वो भी कुछ खास हमें देखने को मिलते थे। आर्टिफैक्ट्स की, पॉटरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ खासियत देखने को मिलती थी। उसी के साथ साथ जो ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे वो भी काबिलियत तारीफ थे, किस तरीके से थे। वैरायटी ऑफ स्टोन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते, पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग तरीके का, उसमें स्टेटाइट बोलिए, क्वार्ट्ज बोलिए, क्रिस्टल्स बोलिए, अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर बनाई जाए। टेराकोटा जो उसका इस्तेमाल किया जाता था, मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इवन गोल्ड जो है ये भी इस्तेमाल होता हुआ हमें देखने को मिलता था। ये सारी चीजें हमें क्या बताती है, ये सारी चीजें बताती है कि उनको नॉलेज था, उनको पता था कि भाई इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं, उस चीज का इस्तेमाल हम किस लिए करते रहते हैं। इसीलिए काफी सारी चीजें जो है वो उनके द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पर सबसे पहले सील्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो कि सील्स जो है वो अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया कि अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के जो सील्स है वो एक्सकेवेशन के दौरान उनको मिले। मोस्ट कॉमन सील जो है वो स्क्वायर शेप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ रेक्टेंगुलर है ना ये भी देखने को मिलते हैं, कुछ ट्रायंगुलर जो है वो भी सील्स देखने को मिलते हैं, कुछ सर्कुलर सील्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो एक सॉफ्ट स्टोन जो है वो यहाँ पर रिवर बेल्ट के पास फाइंड किया गया, जो मोस्ट कॉमन मटेरियल था जो सील्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था वो था स्टेटाइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कौन सा स्टोन, सॉफ्ट स्टोन जो है सील्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। सील जो है उसमें अलग अलग तरीके का जो पिक्चरोग्राफी है वो देखने को मिलती थी, जो रिटन फॉर्मेट है वो देखने को मिलता था, एनिमल के इंप्रेशन जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलते थे। तो ये सारी चीजें हमें सील्स पर देखने को मिलती थी। जनरली सील जो है उसमें एनिमल और ह्यूमन फिगर जो है एक साइड पर रहती थी, जो इंक्रिप्शन है वो हमें अपोजिट साइड जो है उसमें देखने को मिलता था। जैसे आज भी अगर हम हमारा कॉइन देखते हैं तो एक साइड जो है कुछ तस्वीर, कौन सी तस्वीर है वो पता है ना आपको, एंड एक साइड जो है कुछ लिखा हुआ बोलिए, जो जितने रुपी का वो है वो बोलिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ सील जो है प्राइमरीली कमर्शियल पर्पस जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि भाई कुछ खरीदी वरीदी हो रही है उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सील जो है वहां पर होल भी देखने को मिलता था, और वो जो डेड बॉडीज है उनके वहां फाइंड किया जाता था, कि डेड बॉडीज को जो बरी किया जा रहा है वहां पर उनके पास वो पाया गया। अब इससे ये भी पता चलता है कि भाई वो लोग ऑर्नामेंट वगैरह कुछ बनाते होंगे और उसकी डेथ हो गई है तो उसका जितना भी चीजें हैं वो सब उसी को स्वाहा, इस तरीके से देखने को मिलता है। मैथमेटिकल इमेज जो है वो भी कई जगहों पर फाउंड की गई है, कुछ सील्स में फाउंड की गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई पढ़ते थे, होशियार थे, पढ़ाई होती थी, एजुकेशनल पर्पस के लिए वो इस्तेमाल किया जाता होगा। जो मोस्ट प्रोमिनेंट सील है वो हमें पशुपति सील जो है वो देखने को मिलती है, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हो। जो पशुपति सील है ये मोस्ट प्रोमिनेंट सील जो है वो पाई गई है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक फिगर हमें देखने को मिलती है जो योगिक पोस्चर में, जो योगिक पोस्चर होता है उसमें यहाँ पर बैठे हुए देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हॉर्न्ड हेड ड्रेस जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से है ना। जो फिगर है ये नंबर ऑफ जो एनिमल्स है उनसे सराउंडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल हमें देखने को मिल रहे हैं है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एलिफेंट जो है, टाइगर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, एलिफेंट एंड टाइगर। उसी के साथ साथ मतलब इनके राइट साइड में एलिफेंट एंड टाइगर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप अपोजिट साइड देखते हैं तो वहां पर राइनोसोरस एंड बफेलो जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो
एनिमल्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ यहाँ पर भी जो एनिमल है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दो एंटीलोप जो है वो हमें बिलो यहाँ पर दो एंटीलोप जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कई बार आपको कौन कौन से एनिमल कहाँ पर है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसी के साथ यूनिकॉर्न सील जो है वो भी देखने को मिलती है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट सील है जो डिपिक करता है यूनिकॉर्न को, ठीक है। एक समझ लीजिए मिथिकल एनिमल जो है हॉर्स विथ सिंगल हॉर्न, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। बुल सील जो है वो भी यहाँ पर पाया गया है, इसमें हम्ड बुल है ना, ये भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। नंबर ऑफ सील जो है जहाँ पर एनिमल देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं, वो यहाँ पर मिले हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनको एनिमल का हंटिंग का ये सारा भी नॉलेज जो है काफी ठूस ठूस कर भरा हुआ था। देन उसके बाद हमें ब्रॉन्ज फिगर जो है वो भी देखने को मिलती है। हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज कास्टिंग ये प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे क्या है कि यहाँ पर लो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। कैसे? अब देखिए क्या है कि कोई भी ढांचा आपने ले लिया, उसमें वैक्स डाल दिया, अब वो जो वैक्स है वो ढांचे में बराबर तरीके से पिघला हुआ वैक्स जो है पानी की तरह जाकर वो बैठ जाएगा, और देन उसके बाद वो कड़क हो जाएगा, देन उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे तो वो शेप का बन जाएगा, है ना। आज भी हम कई जगहों पर ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि एक ढांचा बना लिया, ढांचे में वो चीज डाल दी एंड देन वो अपने आप वहां पर बन गई। तो ये जो चीज है इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो कहा जाता है, और ये भी इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पर। और आप समझ सकते हो कि क्ले कोटेड फिगर जो है उनको हीट किया जाता था, वैक्स जो है उसको मेल्ट कर देते हैं, वैक्स जो है उसको पोर्ड किया जाता था थ्रू टाइनी होल, लिक्विड मेटल पोर्ड किया जाता था उस हॉलो मोल्ड में, और उसके बाद मेटल जो है उसको कूल डाउन होने दिया जाता था, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको सॉलिडिफाई होने दिया जाता था, क्ले कोट को रिमूव कर दिया जाता था, और इस तरीके से हमें जो शेप चाहिए मेटल का वो यहाँ पर मिल जाता था। समझ में आपको कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चीजें जो है बनाई, आज भी हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इवन नाउ सेम टेक्निक जो है प्रैक्टिस की जाती थी बहुत सारे पार्ट्स में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलिए, मोहनजोदड़ो की ब्रॉन्ज बुल बोलिए, ये सारी चीजें हमें इसी के थ्रू देखने को मिलती है। अब आते हैं हम डांसिंग गर्ल पर। डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ना। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है डांसिंग गर्ल का, ये भी फाउंड किया गया है मोहनजोदड़ो में। ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है आर्ट और मेट्रोलॉजी इस पीरियड के दौरान जो होती थी। ये जो स्टैचू है ये 2500 BC हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो इसे बोला जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है ये स्टैंड कौन से पोजीशन में है, तो इसे त्रिभंगा ये जो पोजीशन है ये कहा जाता है, ये पोस्टर इसे कहा जाता है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स है इसमें बैंगल्स बोलिए, यहाँ पर हाथ में देखिए जो बैंगल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। लेफ्ट एमुलेट्स ब्रासलेट जो है वो भी यहाँ पर राइट आर्म जो है उस पर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर नेकलेस जो है, यहाँ पर आप देखिए नेकलेस जो है ये भी यहाँ पर पहना हुआ है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो दर्शाती है कि भाई बहुत इनको नॉलेज था, ऑर्नामेंट से लेकर सारी चीजें जो है उनको नॉलेज था। देन टेराकोटा जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, टेराकोटा का भी इस्तेमाल, ठीक है। इसमें फायर बेक्ड क्ले होता है, ये मतलब जलाया गया जो क्ले होता है वो हमें टेराकोटा देखने को मिलता है। इसका भी इस्तेमाल किया जाता था स्कल्पचर्स बनाने के लिए। इसमें अगर आप देखोगे कंपेयर टू ब्रॉन्ज जो फिगर है टेराकोटा स्कल्पचर की वो लेस इन नंबर और क्रूड है शेप और फॉर्म में, मतलब इतनी फिनिश्ड जो स्टैचूज है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। ये जो है ये पिंचिंग मेथड इसका इस्तेमाल किया जाता था गुजरात और कालीभंगन जो है वहां पर मोस्टली हमें देखने को मिलता है। टेराकोटा जो जनरली यहाँ पर टॉयज बनाने के लिए, एनिमल फिगर्स बनाने के लिए, मिनिएचर कार्ट व्हील्स ये सब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसे मदर गॉडेस बोलिए, मास्क जो है हॉर्न डाइटी का वो बोलिए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मदर गॉडेस फिगर यहाँ पर आप देख सकते हो, मदर गॉडेस फिगर जो है वो भी यहाँ पर पाई गई है। टेराकोटा फिगर है ना, इसमें ज्वेलरी, यहाँ पर फैन शेप्ड हेड गियर जो है ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मदर गॉडेस फिगर जो है ये इंडस साइट पर, बहुत सारे इंडस साइट पर देखने को मिलती है। इससे भी पता चलता है कि वो लोग पूजा जो अर्चना है ये सब भी किया करते थे। इमेज जो है प्रोटो शिवा का वो भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, और इससे ये उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो पता चलती है कि भाई वो लोग भी जो मूर्ति की पूजा है वो किया करते थे। फेशियल फीचर जो है वो काफी क्रूडली एंड लैक्स फाइननेस, यहाँ पर जो फेशियल फीचर्स है इतने कुछ साफ जो है वो नहीं दिखाई देते थे। देन यहाँ पर बियर्डेड ट्री स्टैचू जो है वो भी देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो काफी फेमस है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है स्टोन फिगर्स का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। ये फिगर जो है बियर्डेड मैन की, ये यहाँ पर शॉल और उसी के साथ यहाँ पर ट्रीफुल पैटर्न जो है, यहाँ पर आप देखिए एक साइड में जो शॉल है वो इस तरीके से बनाई गई है, और उसमें भी कुछ जो ये है
डिजाइनिंग है वो यहाँ पर की गई है, तो इससे पता चलता है भाई डिजाइनिंग वाले बहुत बहुत स्टाइलिस्ट है वो लोग भी। ठीक है, जो आंख है वो यहाँ पर एलोंगेटेड है, हाफ क्लोज्ड है, मेडिटेशन स्टेट में जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लंबी है, मेडिटेटिव स्टेट में है ना। इसमें एमुलेट राइट हैंड पर और पेन वोवेल फिलेट अक्रॉस द हेड, ये सब हमें यहाँ पर दिखे, एक तावीज जैसा जो हम बोलते हैं, एमुलेट मतलब तावीज, तो तावीज जैसा भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई वो लोग भी जो अच्छी हवा बुरी हवा जो आज हमें देखने को मिलता है उस पर भी वो लोग विश्वास करते होंगे। देन मेल टॉर्सो यहाँ पर हमें देखे, टॉर्सो मतलब जो ऊपर का धड़ है, शरीर है, वो यहाँ पर मेल टॉर्सो। तो यहाँ पर रेन सैंडस्टोन फिगर जो है मेल टॉर्सो की, वो भी एक यूनिक स्पेसिमेन है रॉक स्कल्पचर का। ठीक है, टॉर्सो जो है ये हमें देखने को मिलता है, जिसमें शोल्डर्स है, प्रोमिनेंट एब्डोमेन जो है ये भी हमें देखने को मिलता है, और ये सब इस तरीके से है जिससे कि हाथ वाथ जो है अगर उनको जुड़ाना है, देन यहाँ पर गला वाला अगर मुंडी वुंडी बनाना है, तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद पेंटेड अर्दन जार, यहाँ पर देखिए जार है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो में फाउंड किया गया, एंड पोटरी व्हील ये क्ले के द्वारा बनाया गया। उसी के साथ यहाँ पर क्ले जो मॉडल है उसको बेक किया जाता है, देन उसके ऊपर पेंटिंग जो है वो भी हमें देखने को मिलती है ब्लैक कलर से, है ना। हाई पॉलिशिंग, ये यहाँ पर फिनिशिंग टच जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को, देखिए कितना साफ सुथरा देखने को, कौन बोलेगा इतना पुराना है, इतना पुराना मतलब ठीक है 5,500 साल नहीं 8,000 साल पुराना बोलो, इतना पुराना है कौन बोलेगा ये, है ना। जो यहाँ पर वेजिटल्स है, ज्योमेट्रिक फॉर्म है, ये सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद पोटरी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो कि पोटरी जो है वो भी कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हरप्पन पोटरी जो हमें देखने को मिलती है, मतलब चाय पीने के लिए बोलिए, दूध पीने के लिए बोलिए, है ना, अलग अलग चीजें जो है द्रव्य जो भी पिया जाता था उसके लिए बोलिए, कुछ चीजें रखने के लिए बोलिए, पानी रखने के लिए बोलिए, खाना खाने के लिए बोलिए, तो अलग अलग पोटरी का इस्तेमाल किया जाता था। उसे पेंटेड पोटरी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी, एंड प्लेन पोटरी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी, तो अलग अलग तरीके का था। तो यहाँ पर पोटरी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दो तरीके, एक है प्लेन और एक है पेंटेड, जो हमने यहाँ पर देखा था, है ना। ये जो है ये पेंटेड हमें देखने को मिलती है, और ये जो है ये हमें प्लेन देखने को मिलती है। प्लेन जो है मोर कॉमन थी देन पेंटेड वेयर, क्योंकि काफी मुश्किल था पेंटेड पोटरी बनाना ये सब, है ना। और प्लेन जो है वो हमें मोस्टली रेड क्ले के थ्रू देखने को मिलती है। ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल फिगर, ज्योमेट्रिक पैटर्न, ये सब यहाँ पर थीम जो है पेंटिंग में वो हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे जो डांस, म्यूजिक, ये भी फॉर्म जो है उसमें डिपिक्ट किए गए हैं। और मोस्ट पोटरी जो है वो वहाँ पर हमें फाइन व्हील मेड पोटरी इस तरीके की देखने को मिलती है। वो होता है ना गोल घूमने वाला, उसमें सही तरीके से बन रही, एकदम सही जो उसका आकार है वो दिया जा रहा है, उस पर हमें देखने को मिलता है। पोटरी जो है वो तीन मेन पर्पज़ के लिए बनाई जाती थी। एक तो भाई हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, है ना, कुछ ग्रेन्स को स्टोर करना है, धान्य को स्टोर करना है, पानी को स्टोर करना है उसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर डेकोरेटिव पर्पज़ जो उसके लिए भी, छोटे छोटे जो है वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। और कुछ जो है वो यहाँ पर लार्ज होल जो है बॉटम में वो हमें देखने को मिलता था, स्मॉल होल जो है अक्रॉस द साइड वो हमें देखने को मिलते थे। यहाँ पर लिकर उसके लिए भी इस्तेमाल होता था। भाई द्रव्य मजे कर रहे हैं, इतने साल पुराने मजे कर रहे हैं, मस्त आराम से रह रहे हैं, है ना। तो ये भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो भाई साहब ऑर्नामेंट्स भी खतरनाक थे। हरप्पन जो है वो लार्ज वेरायटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, प्रेशियस मेटल से लेकर गम स्टोन से लेकर बोन्स, इवन बेक्ड क्ले जो है ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल। देखिए किस तरीके के ऑर्नामेंट्स थे, जबरदस्त जबरदस्त तरीके के ऑर्नामेंट्स। आज भी कई जगहों पर इस तरीके के ऑर्नामेंट देखने को नहीं मिलते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। मैन वुमेन ये ऑर्नामेंट यहाँ पर पहनते थे, लाइक नेकलेस हो गया, फिलेट्स हो गया, एमुलेट्स, फिंगर रिंग्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी, है ना। और अलग 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 स्टेटाइट, अलग अलग पत्थर से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग पदार्थों से यहाँ पर जो ऑर्नामेंट से वो बनाए जाते थे। तो काफी खूबसूरत तरीके के ऑर्नामेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस अगर हम सील का देखते हैं, यहाँ पर जो सील हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सील जो है सिमिलर आर्टिफैक्ट जो है हरप्पन पीरियड में वो डिस्कवर्ड किए गए हैं। और सील जो है वो बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर जो गुड्स है ना, यहाँ पर जो लेना है मतलब जो भी ट्रेडिंग यहाँ पर होनी है उसके लिए मोस्टली यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इससे हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी चलता था हरप्पन सिविलाइजेशन का, तो जो सील्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो दूसरी जगह भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि वहां पर भी सील्स जो है उसका लेना देना हुआ था। इसकी वजह से क्या है कि भाई ट्रेड जो है वो भी यहाँ पर हुआ करता था, है ना। देन यहाँ पर डिस्कवरी जो है लार्ज नंबर ऑफ सील वेरियस साइट्स, यहाँ पर फ्लरिशिंग ट्रेड कॉमर्स ही यहाँ पर दर्शाता है कि भाई जबरदस्त तरीके का ट्रेड चल रहा था उनका। कोई ऐसे नहीं थे कि भाई 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, जबरदस्त तरीके का उनका ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फैक्ट दैट अर्बन सिविलाइजेशन है नॉट एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी, क्योंकि क्या है कि हम हरप्पन सिविलाइजेशन के जब बात जाते हैं
तो वहां पर हमें एग्रेरियन इकोनॉमी ज्यादा देखने को मिलती है। हरप्पन इसमें एग्रीकल्चर तो था लेकिन उसी के साथ बाकी भी जो ट्रेड है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। जो सिंबल है सील पर, वो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसका एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर बताते हैं। न्यूमरस फिगर यहाँ पर लाइट थ्रो करते हैं सोशल रिलीजियस और बाकी एस्पेक्ट जो है कल्चर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोसाइटी और गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसा कि हमने एंशियंट हिस्ट्री जो है वो भी टॉपिक में देखा हुआ है कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से थी, जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वहाँ पर फंक्शन किया करती थी। अब देखिए यहाँ पर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रिक्स की, हम यहाँ पर बात करेंगे सील की। जो ब्रिक्स है, जो सील वेट्स है, ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली हमें देखने को मिलता था, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो हमें यूनिफॉर्मिटी जो है वहां पर देखने को मिलती थी। और ये भी काबिल तारीफ है कि कैसे यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ रही है, कैसे अलग अलग, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई दूसरा व्यक्ति कोई चीज बनाता है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो आ जाते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिल रही थी। जो ब्रिक्स है स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉमन यहाँ पर जो लेंथ है, ब्रिथ है और हाइट है उसका रेशियो हमें देखने को मिल रहा था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया हुआ है। उसी के साथ साथ जो टाउन प्लानिंग है, जो सेटलर्स है किस तरीके से वो सेटल हो रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से वो किस तरीके से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ पर मिल रहा है ना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से हमें देखने को मिल रही थी। कुछ हिस्टोरियंस जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि वेरियस साइट्स सेपरेट रूलर जो है वो भी यहाँ पर रहते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग थियोरीज जो है वो निकलती रहती है, जैसे जैसे एक्सकेवेशन होते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि यार यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर ये हो, यहाँ पर ये देखने को मिला है हो सकता है वहां पर वो हो। जैसे जो तावीज वावीज है वो देखने को मिली, मतलब वो लोग भी इस पे बिलीव करते थे, गुड लक बैड लक इस पे बिलीव करते थे, है ना। जिस तरीके से जो डिरेक्शन वाइज जो बरियल प्रैक्टिसेस है वो की जाती थी, उनको बरी किया जाता था, इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई वो भी डिरेक्शन वगैरह में माना करते थे कि ये डिरेक्शन सही है, डिरेक्शन सही नहीं है। उसी के साथ साथ जो ड्रेनेज पैटर्न बोलिए, उसी के साथ साथ जो वहाँ पर वो गॉडेस की, मदर गॉडेस की वो जो प्रतिमा मिली है, उससे ये पता चलता है कि वो लोग भी जो मतलब आइडल वर्शिप जो है वो किया करते थे, है ना। तो अलग अलग चीजें जो है पता चलती है। तो यहाँ पर हिस्टोरियन जो उनका ये भी बोलना है कि भाई सेपरेट रूलर जो है वो भी हमें देखने को मिलते थे, लेकिन उसी के साथ साथ यूनिफॉर्मिटी जो है वेट में, मेजर्स में, ब्रिक्स में, आर्टिफैक्ट्स में, है ना। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यार अगर सेपरेट रूलर्स होता तो वो अपनी अपनी कुछ तो चीज लेता कि यार यहाँ पे वो वाला रूलर उसमें वो चल रहा है कि हम इस तरीके से लेंगे, हम थोड़ा और ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है। तो इससे ये होता है कि नहीं यार सेंट्रलाइज जो है वो यहाँ पर रूलिंग जो है हमें देखने को मिल रही होगी। देन बरियल्स एंड बिलीव जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हरप्पन साइट्स में देखते हैं तो बरियल चेंबर जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, जनरली इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, इस तरीके से जो है बरियल चेंबर्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ बरियल पिट्स में जो ब्रिक्स लाइनिंग है वो फाउंड की गई है, जो सोशल डिफरेंसेस भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता था वो बताती है। अब देखिए सोशल डिफरेंस इनइक्वालिटी वहां पर थी वो तो हमें यही पता चलता है, सिटाडेल जो अपर लेवल था और लोअर लेवल था उससे हमें पता चलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो बरियल प्रैक्टिसेस है वो भी कुछ इस तरीके से थी कि कहाँ कहीं कहीं पर ब्रिक लाइनिंग जो है वो देखने को मिल रही थी, जिससे पता चलता है कि हाँ वहां पर भी सोशल डिफरेंसेस जो है वो थे। कुछ डेड जो उनको बरी किया जाता था उनकी ज्वेलरी के साथ, पोटरी के साथ, जिससे ये पता चलता है कि भाई मतलब जो बिलीफ सिस्टम है उनका वो यहाँ पर दर्शाता है कि कुछ उनके बिलीफ जो है वहां पर रहे होंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट सेक्टर था कल्चरल इकोनॉमी का। अब आप बोलोगे ये तो हम पूरा एंशियंट हिस्ट्री में जो पढ़ा हुआ है वही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि हमने जब एंशियंट हिस्ट्री देखा था उसमें जब हमने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा उसमें हमने पर्टिकुलरली उनका सोशल एस्पेक्ट देखा, है ना, उनका कमर्शियल एस्पेक्ट देखा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड हो रहा था उसमें आर्ट के हिसाब से क्या था। जैसे कि हमें न्यूमरस सील्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो आर्टिफैक्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर कल्चरल इकोनॉमी के इस पर काफी इम्पोर्टेंट है ये सील्स जो है, आर्टिफैक्ट जो है। रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात होगी, रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन ये सोर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस से, लाइक कॉपर जो है वो ओमान से लिया जा रहा था, एज केमिकल एनालिसिस जो है उसने बताया कि ओमानी कॉपर हरप्पन आर्टिफैक्ट्स ये यहाँ पर ट्रेस किए गए हैं निकेल, जो इंडिकेट करता है कॉमन ओरिजिन। तो मतलब दोनों ही तरफ से यहाँ पर कॉमन चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। सोचिए ओमान, है ना, तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से फैला हुआ था ये। सिमिलरली हरप्पन आर्टिफैक्ट जो है वो फाउंड किए गए डिफरेंट साइट्स पर भी, जैसे कि हरप्पन जार्स हो गए, है ना, जो ओमानी साइट्स पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है भाई रिसेम्बलेंस, सिमिलरिटी जो है वो यहाँ पर थी। देन फैब्रिक्स एंड क्लोथ की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन जो है वो यहाँ पर कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था। आज भी हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पर भी कॉटन जो उसका इस्तेमाल किया जाता था फॉर क्लोथिंग, ऑल्दो वूल जो है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होता था, है ना।
देन उसके बाद यहाँ पर फाइंडिंग जो है, यहाँ पर जो स्पिंडल्स है वो इंडिकेट करते हैं वीविंग और स्पिनिंग जो है ये भी उन लोगों को पता थी। इतने जबरदस्त तरीके से डेकोरेटिव कपड़े पहनते थे तो मतलब वीविंग एंड स्पिनिंग जो है उनको पता ही रहेगी। नीडल्स और बटन जो है वो भी डिस्कवर्ड किए गए थे, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो स्टिचिंग है ये भी वो लोग किया करते थे, बटन जो है वो भी लगाया करते थे, तो जबरदस्त शौकीन लोग थे यार। ड्रेस और फैब्रिक जो है वो सर्वाइव नहीं हुए, लेकिन जो स्टैचू है, जो यहाँ पर जो फिगर्स है वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ जो टू पीस ऑफ क्लोथ जो है वो वियर किया करते थे, दो पीस, ठीक है, मतलब ये जो है ये मेन के द्वारा यूज किया जाता था, वुमेन के द्वारा। वन पीस जो है ये धोती जो एंटायर बॉडी को कवर कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंटायर बॉडी को कवर कर रही है ये हमें देखने को, यहाँ पर आप तावीज जो है वो भी देख सकते हो, है ना। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन गेम्स और स्पोर्ट्स अगर हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर डायस गेम इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो मिले हैं यहाँ पर, है ना। कार्ड जो है ये भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भंज, इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिली है। हंटिंग जो है ये भी बिलीव किया जाता था कि कॉमन था, नंबर ऑफ सील जो है जो एनिमल की इमेजेस कैरी कर रहे हैं वो हमें देखने को, मतलब हंटिंग वंटिंग भी किया करते थे। डांसिंग और सिंगिंग जो है काफी पॉपुलर था, जो ब्रॉन्ज स्टेचू हमें मिला है डांसिंग गर्ल का उससे हमें पता चलता है। तो अभी याद करके मुझे बताओ कि डांसिंग गर्ल जिस पोजीशन में थी वो कौन सी पोजीशन थी, याद करो। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते तो ग्रेन जो है वो डिस्कवर हुए हैं हरप्पन साइट्स पे, टेराकोटा मॉडल जो है वो हमें देखने को मिला है प्लग का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई, प्लगिंग जो है वो भी यहाँ पर हुआ करती थी, है ना। तो ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है। जो प्लग फील्ड है ये यहाँ पर फाउंड किया गया है कालीबंगन पर। इरीगेशन जो है इज थॉट टू हैव बीन कैरिड बाय वेल्स और रिजर्वायर्स। तो मतलब देखिए कितना एडवांस था यार, धोलावीरा के आसपास इरिगेशन फैसिलिटी, सारी चीजें, जो बारले है, वीट है, ये मेजर कल्टिवेटेड सीरियल्स क्रॉप थे जो हमें उस टाइम पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस जो हरप्पन साइट्स का और उनका सिग्निफिकेंस जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा आप टेबल जो है वो याद कर सकते हो और एग्जाम के पहले भी आप टेबल देख लोगे तो जबरदस्त तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में वन ऑफ द बेटर प्रिजर्व साइट है पाकिस्तान में, डिस्कवर्ड ऑफ ग्रेट बाथ ग्रेनरी पोस्ट सिरेमेशन बरियल्स, है ना, सीवेज सिस्टम्स, कल्चर्स ऑफ ब्रीडेड प्रिस्ट, जो हमने ब्रीडेड पीस देखा था ये हमें यहाँ पर इस साइट पर देखने को मिलता है। देन हरप्पा अगर हम देखते हैं वो भी पाकिस्तान में, टू रो ऑफ सिक्स ग्रेनरीज जो है बिग प्लेटफॉर्म के साथ, मदर गॉडेस फिगर, स्टोन सिम्बॉल, जो लिंगम है, जो योनी है, देन स्कल्चर जो है डॉग जो चीज कर रहा है डियर को ब्रॉन्ज में वो देखने को मिल रहा है, मेटल रेड स्टोन ये सब टॉर्सो स्टैचू, वीट बार्ले जो है वुडन मोर्टार में, डायस मिरर ये सब देखने को मिल रहा है। कहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मोहनजोदड़ो, ये वाली साइड जो अभी पाकिस्तान में है, देन यहाँ पर हरप्पा जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो लोथल है गुजरात में वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस जो है डॉकयार्ड का, डिस्कवरी जो है वेट्स की, मेजर्स की। देन यहाँ पर हमें धोलावीरा देखने को मिलता है गुजरात में, जहाँ पर डिस्कवरी जो है लार्ज वाटर रिजर्वायर की स्टोन पर बिल्ड की हुई, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर 10 लार्ज सीज्ड साइन जो है जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धोलावीरा जो यहाँ पर है, लोथल जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। उसी के साथ राखी गरी जो है वो हरियाणा में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट और वेरी लार्ज साइट है। देन उसके बाद डिस्कवरी जो है फीमेल स्केलेटन की, है ना, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पर रेन वाटर कलेक्शन बोलिए, ड्रेनेज सिस्टम बोलिए, ग्रेनरी बोलिए, बैंगल्स बोलिए, सब हमें देखने को मिले। देन कालीबंगन ये अगर हम देखते हैं राजस्थान में, लिटरली इसका ब्लैक बैंगल्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, सिटाडेल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, टॉय कार्ड बोलिए, बोन ऑफ कैमल बोलिए, डेकोरेटिव ब्रिक्स बोलिए, ये सब हमें देखने को मिले हैं। देन क्वाट डीजी बोलिए पाकिस्तान में, रोपर बोलिए पंजाब में, बनावली बोलिए हरियाणा में। इसमें अगर हम कॉट डीजी की बात करते हैं तो सिटाडेल लोअर टाउन इसका एग्जिस्टेंस, देन रोपर डॉग बरीड जो है ह्यूमंस के साथ वो देखने को मिला है कि उनके जो पेट्स है वो भी उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि जो डॉग्स है वो हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, तो भाई तुम जा रहे हो तुम्हारे साथ तुम्हारा डॉग जो है वो भी जा रहा है। देन टॉय प्लग जो बार्ले ग्रेन्स है, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, तो ये भी है बनावली हरियाणा में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें पूरा जो है वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसमें हम पोस्ट हरप्पन उस पर जाएंगे, मौर्यन जो है उस पर जाएंगे, तो काफी जबरदस्त तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगी आर्ट एंड कल्चर फॉर्म में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जय हिंद।